जय माता दी हर हर महादेव कैसे हो सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे माता काली और बाबा भैरो की कृपा आप सभी पर बनी रहे माँ आप सभी के ऐधन के भंडारे भरती रहे आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें यही मेरी माँ से कामना है आज फिर से मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बोलते हैं और जो माँ की भक्त हैं कि दीदी दी पहले हमें अनुभव होते थे पहले हम माँ की भक्ति करते थे तो हमारे साथ ऐसा होता था, था वैसा होता था अब हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण है कैसे जाने कि हमारी जो है किसी ने जो है शक्ति का बंधन कर दिया है हमारे अनुभव हमको वापस से कैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्या करें हम तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए और एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं मंत्र जाप करते हैं या सिद्धि साधनाएं करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं गुरु की देखरेख में है ना ये सारी चीजें हम करते हैं गुरु की देखरेख में गुरु ही हमें सिद्धि साधना के मार्ग पर ले जाते हैं अपने आप से तो उठकर आप नहीं जान सकते ना कि कहाँ से सिद्धि होगी क्या साधना होता है जब हम नॉर्मल नई नई भक्ति में जाते हैं तो हमको इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि क्या सिद्धि है क्या साधना है कैसे हमें साधना करनी चाहिए किस प्रकार से हमें सिद्धि प्राप्त होती है किस प्रकार से हमें पूजन विधि करनी चाहिए तब हमको ये सिद्धि साधना जो है प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम हमको क्या पढ़ना पड़ता है हमको गुरु बनाना पड़ता है अब गुरु हमको जो है सिद्धि साधनाएं है देते हैं मंत्र जाप करवाते हैं हमारा आगे मार्गदर्शन करवाते हैं हमको साधना में किस प्रकार से बैठना है क्या नियम करना है क्या पूजा करना है किस देवता का अपन जो चार पूजन करना है नहीं करना है कहां पर किस देवता को बैठाना है ये सारी जानकारी देते हैं तब हम जो है सिद्धि साधना मार्ग में जाते हैं कितने दिन से करनी है कौन से दिन करनी है किस दिशा में बैठकर करनी है सारी जानकारी हमको जो है गुरु देते हैं तो ये है गुरु का महत्व और दूसरी बात अगर हम कोई साधना कर चुके हैं हमारी साधना सफल भी हो गई है हमको अनुभव भी होने लगे हम दूसरों के बारे में पूछा भी दे देते हैं और सारी चीजें हमारे बारे में जो पता हो जाती हैं कुछ ऐसा होता है कि सिद्धि जैसे हमने करनी शुरू करी है तो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन से ही हमको जो है अनुभव होने लगते हैं कुछ कुछ हमको अनुभव होने लगते हैं किसी के कानों में आवाज किसी को अपने मन में विचार किसी को कोई शक्ति दिखाई देना जोत पर दिखाई देना या मतलब एस वाई जेड कुछ भी जैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं आपको कुछ अनुभव होने लगे हैं कोई से भी कैसे तो जब हम ये अनुभव अपने किसी को बता देते हैं <laughs> ये हम अपने अनुभव किसी के साथ शेयर कर देते हैं जैसे मानकर चलिए आपने कोई सिद्धि साधना करी आप ग्रस्त जीवन में है अगर आपकी कोई पत्नी है या फिर अगर महिला कर रही है तो पति है या घर में माता पिता हैं तो आप ने जो सिद्धि करी है जो साधना मार्ग में आप बैठे हैं उसका आपको रात को कोई अनुभव हुआ रात को आपको कोई शक्ति दिखाई दी या कोई परछाई आपके सामने से निकली तो वो क्या करते हैं हम अपने घर में आकर सुबह को बोल देते हैं कि आज रात को मेरे को ऐसे दिखाई दिया या मेरे कान में इस प्रकार से आवाजें आने लगी हैं या मैं तुम्हारे बारे में इस प्रकार से बता सकता हूं अब मेरे पास ये क्रिया हो चुकी है तो ये क्या होता है इन चीजों को देख करके जो है शक्ति नाराज हो जाती है ये क्योंकि गुप्त साधना साधना गुप्त क्यों की जाती है इसीलिए तो गुप्त की जाती है क्योंकि कभी किसी को अपनी साधना कर रहे हैं वो बताया है नहीं जाता कि भाई हम कौन सी साधना कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं क्या मकसद है ये सारी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए सिवाय गुरु के तो हम क्या कहते हैं गुरु को बताने से पहले सबसे पहले सुबह उठ करना एक तो एक उत्साहिता हमारे अंदर होती है कि रात को हमने कोई साधना करी तो उसके हमें कुछ अनुभव कुछ दृश्य हमें दिखाई दिखा दे जाता है तो उसका एक उत्सुकता जो हमारे अंदर होती है सुबह उठने से पहले ही हम सभी को बताने लगते हैं अपने घर में कि भाई रात को हमारे साथ ऐसा हुआ या कोई शक्ति हमारे सामने इस प्रकार से आई या दीपक के जो के अंदर हमको अपनी कोई शक्ति दिखाई दी है या कोई शक्ति हमारे कान में कुछ बोल करके गई है या किसी शक्ति के बारे में हमको इस प्रकार से खुद खुद ब जो है 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 अनुभव हो गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है? जो हमारे अनुभव होते हैं शक्ति हमें अनुभव देना बंद कर देते हैं क्यों क्योंकि हम अपनी उन शक्तियों का जो है जगत में प्रचालन करने लगे हैं है ना जग जाहिर कर दी हमने तो उस जगह पर जो है शक्ति रुक जाती है एक कारण तो ये होता है कि हमारे अनुभव और शक्ति रुकने का दूसरी चीजें अब जब कोई साधक साधिकाएं हैं जिनकी गद्दी चौकी चल रही है सवारियां आ रही हैं उन पर अब पहले आती थी अब सवारी नहीं आ रही है चौकी लगी हुई थी अब नहीं चौकी चल पा रही है किसी के बारे में कुछ नहीं जानकारी दे पा रहे तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे तो देखिये यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब भी हमारे ऊपर कोई चौकी रख देता है तब ये सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं ना तो हमारी गद्दी जो चल रही थी वो बंद हो जाती है ना गद्दी पर कोई भी संगत नहीं आती हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं हमारी जो सवारी आती है वो शरीर के अंदर भर भर कर फुरफुरी दे दे कर दे दे कर के रह जाती है लेकिन पूरी तरीके से जो है शीश पर नहीं आती है तो इस, इस स्थिति में आप जान जाइए कि आपकी जो है गद्दी चौकी का और आपकी सवारी का किसी ने बंधन कर दिया है और दूसरी चीजें आप क्या देखेंगे कि जैसे आप सपने में अपने आप को किसी मंदिर के बाहर खड़े देख रहे हैं और आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे आप मंदिर के बाहर खड़े हैं और आप कोई भी ऐसा आप अनेकों अलग अलग प्रकार के माता काली के मंदिर दिखाई दे रहे हैं आपको मंदिर के बीच में आप अपने आप को खड़े देख रहे हैं लेकिन आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे चाह कर भी आप अंदर से बहुत कोशिश करने के भाई हम इस मंदिर के अंदर जाए और पूजा पाठ करें बैठे लेकिन आप वहां उस मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे ऐसी रुकावट जो है आपके अंदर आती है दूसरा सपने में आप देखते हैं कि आपके अंदर सवारी आ रही है झटके ले लेकर के ले लेकर जो है सवारी को पीछे लौट जाती है सपने में जो होता है वो रियल में हमारे साथ हो रहा होता है हमारा शरीर एकदम से भर जाता है पूरा शरीर भारी हो जाता है और सवारी जो आती है वो वहीं पर रुक जाती है एकदम शरीर फूल कर भारी हो जाता है फिर वहीं की वहीं रह जाता है तो समझ लीजिए जो सवारी है उसका बंधन है और सवारी जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही सवारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रही है तो समझ लीजिए यहाँ पर सवारी का बंधन है किसी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए हमारी सवारी का बंधन है सम, सपने में कोई संकट आ रहा है आपके सामने और आप उस संकट से घबरा कर भाग रहे हैं संकट आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हैं आप उस संकट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे बजाय उसके आप उस संकट से जो है घबरा करके अपने आप का बचाव कर रहे हैं छुप रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपकी गद्दी का बंधन है आप अपने आप को अकेला बैठा देख रहे हैं अपनी गद्दी के पास में आप गद्दी पर बैठे हैं लेकिन अकेले बैठे हैं आपके आसपास कुछ नहीं कभी क्या होता है कि हम अपनी गद्दी को जो है किसी सुनसान जगह के बीच में रखा हुआ देखते हैं और हम चाह कर भी उस गद्दी पर नहीं बैठ पा रहे हम उस गद्दी के पास नहीं पहुंच पा रहे हम पूरे प्रीत्यन कर रहे हैं कि भाई हम इस गद्दी के पास जाए बैठे लेकिन हमारे अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम उस गद्दी पर बैठे जाकर के गद्दी को देख देख करके हमको रोना आ रहा है सिर्फ हम रो रहे हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे तो समझ लीजिए कि आपकी जो है गद्दी का बंधन है आपकी गद्दी किसी ने बांध रखी है अभी बहुत से बच्चे बोलते हैं ये गद्दी हम कैसे खोलें कैसे खोलें देखो गद्दी का जो है ये सारी जानकारी तो आप अपने गुरु से ले सकते हैं तभी तो कहते हैं कि गुरु बनाइए अब स्वयं अगर गुरु ने ही आपकी गद्दी बांध दी है तो उसका क्या करें तो उस स्थिति में आपको ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो गुरु आपकी गद्दी को सुरक्षित रख सके और आपके सफर्थ करके उसको खोल करके दे अब बच्चे कहते हैं कि गुरु ने गद्दी बांध दी तो हम ऐसे गुरु का क्या करें जो गुरु गद्दी बांध तो फिर वो गुरु ही किस बात के जो अपने शिष्य की गद्दी को बांधते अभी मेरा मानना तो यह मैं किसी गुरु का यहाँ पर उल्लंघन नहीं करूंगी लेकिन मेरा मानना तो यह है अगर कोई गुरु अपने शिष्य से ईर्षा के कारण उसकी गद्दी को बांध देता है और जबकि शिष्य सही मार्ग पर चल रहा है तो फिर वो गुरु कोई गुरु नहीं मेरी नजर तो आज का वीडियो यहीं तक आशा करती हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आ पाई हूं और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर प्राप्त हुई है और जिनके ऊपर सवारी रुक गई है गद्दी रुकी हुई है तो उसके भी आपको जानकारी मिली है कि भाई ऐसे अनुभव अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आपको इस वीडियो के द्वारा कोई ना कोई सीख जरूर प्राप्त हुई है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें साथ ही अगर इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर को दबा दीजिए क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए और अनेकों वीडियो लेकर के आती हूँ एक एक नई जानकारी के साथ और आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में और आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में घर में छोटी छोटी समस्याओं से जुड़े उपाय के बारे में साथ ही मेरा सेकेंड चैनल है काली माँ की बेटी रेणु यादव टू जीरो दरबार की वीडियो आती है और दरबार का लाइव चलता है जहां मैं दरबार लगाती हूँ तो दरबार से मैं लाइव चलाती हूँ काली माँ की बेटी रेणु यादव टू जीरो मेरा सेकेंड चैनल है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप वहां से मेरे दरबार की वीडियो देख सकते हैं मेरे दरबार देख सकते हैं वहां का लाइव देख सकते हैं और साथ ही मेरे दरबार की लाइव आरती में भी आप जुड़ सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से आप उस चैनल पर भी पहुंच सकते हैं तो चैनल को दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोनों ही चैनल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप तंत्र से जुड़े हैं मंत्र से जुड़े हैं हैं सिद्धि साधना से जुड़े और मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारियां देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत ही पसंद आती होगी और आपके कोई ना कोई काम जरूर आती होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ तब तक के लिए सभी को जय मा काली हर महादेव